कभी जीवन में सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा जब मुझे मेरे छोटे दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। इतने लंबे कालखंड तक घनिष्ठ मित्रता और उसके अंतिम दर्शन मैं नहीं कर पाया, मेरे मन पर इसका बोझ हमेशा बना रहेगा। वे सर्व मित्र थे, वे सर्व प्रिय थे और वे अपनी प्रतिभा के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण, अपने प्रभाव के कारण जिसको भी जहां पर भी उपयोगी हो सकते थे वे हमेशा उपयोगी होते थे। अब पल भर के लिए कल्पना कीजिए, मेरे जैसे व्यक्ति का क्या होता होगा जिसने ऐसे प्रतिभावान साथी को खोया होगा जिसका वर्णन हम लगातार सुन रहे हैं। अगर आप सामने से पूछने की कोशिश करें तो भी वे न अपनी बात बताने के लिए समय बर्बाद करते थे, न ही स्वास्थ्य के लिए कुछ बताते थे। वो जब भी बात करते थे देश में क्या चल रहा है, आगे क्या होने की संभावना है, हम लोगों को कैसे करना चाहिए, यानी मन मस्तिष्क पूरी तरह देश के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए रम गया था। उसी में वो रममाण थे, उसी में वो खोए हुए थे और शायद यही उनकी ऊर्जा थी, यही उनका सामर्थ्य था। अरुण जी की कमी हर कोई महसूस करेगा। हम सब उनका पुण्य स्मरण करते हुए सद्भावना के साथ, सत्कार्य के साथ जुड़ करके सच्ची श्रद्धांजलि देते रहें, इसी कामना के साथ मैं आदरपूर्वक जो बात कभी मेरे मन में मेरे लिए वो शब्द निकालना बड़ा मुश्किल है कि अपने दोस्त को मैं आज आदरपूर्वक अंजलि दे रहा हूं। कभी किसी की जिंदगी में ऐसे पल नहीं आने चाहिए, किसी की जिंदगी में नहीं आने चाहिए, लेकिन शायद ईश्वर ने कुछ निर्धारित किया है। मेरा दुर्भाग्य है कि आज मेरे नसीब में एक अच्छे पुराने दोस्त और उम्र में छोटे, उसको श्रद्धांजलि देने की नौबत आई। मैं आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। ओम शांति शांति शांति।